ଗୁଜୁରାଟୀ ଝିଅକୁ ଠକିଦେଲା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ, ତାପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ଧୋକା, ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟର ଝିଅ ଜଣେ। ସେ ସୁଦୂର ସୁରାଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମକୁ। ଗଞ୍ଜାମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହୋଇ ପୁରୀ ଥରେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଜି ସେ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସେ ଦୈନିକ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାଥ କିଆ ହୁଆ ଥା, ଆପ କେସେ ପ୍ୟାର ମେ ପଡ଼େ ଉସ ଯୁବକ କେ, ଅର ଅବ କିଆ ଆପକା ଅଭିଯୋଗ ହୈ? ଓ ଲଡ଼କା ଗୁଜରାତ ମେ ରହତା ଥା, ଅମରୋଲି ମେ ସତ୍ତାଧାର ପେ ରୁମ ଭାଡ଼େ ସେ ଲେକେ। उसके साथ उसका भाई ज्योति प्रकाश रहता था और उसकी बहन भी अमरोली में रहती थी पहले भाड़े से, अभी वो साइंड में चली गई रहने के लिए। लड़के से मेरी मुलाकात अंजनी में हुई थी और उसके दोस्त मिट्टू ने हम दोनों की मुलाकात करवाई थी और वहीं से हम दोनों की रिलेशन बातचीत शुरू हुई थी। ये सब कुछ बातें उसके जीजा जी को भी पता थी कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती थी। वो मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करूँगा, तुमको बहुत अच्छे से रखूँगा। ये सब कुछ बोल के मुझे बोला कि तुम्हारे साथ मैं संपर्क में रहूँगा तुमसे शादी करके। तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं, ये गलत है, अगर संपर्क रखना है तो मेरे साथ पहले शादी कीजिए। उसने बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा। खोड़ियाल माता के मंदिर में वो ले जाके मुझे मांग में सिंदूर भरा, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाए, मेरे पाँव में बिछिया पहनाई और मुझे कहा बिना पंडित के उसने मेरे साथ कोर्ट मैरिज की, मंदिर में शादी की, खोड़ियाल माता के मंदिर में, गांव का नाम डांडी है, वहाँ पे उसने मेरे साथ शादी की थी। उसके बाद में वो मुझे मेरे फैमिली वालों को मैंने मनाने के लिए बोला था कि आप मेरी शादी उसके साथ करवा दीजिए। फैमिली वाले ने जब गुस्से में आके उसको मारने के लिए जा रहे थे तो मैंने उसको बचाने के लिए पुलिस केस कर दिया था। उसके बाद में मेरी फैमिली वाले मुझे गांव लेके चले गए। गांव जाने के बाद लड़के ने बहुत रो रो के मुझे बोला कि तुम नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता हूं। उसने मुझे बोला अपने सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मुझे दे दो। उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सब कुछ ले लिया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट, मेरे पासबुक, चेकबुक, आईटीएम, सब कुछ लेके उसने मुझे बोला कि तुम आ जाओ, मैंने कोर्ट मैरिज की तैयारी कर दी। मुझे विश्वास नहीं था इसीलिए उसने मुझे कोई वकील का। आप सुरत से कब गंजाम आए और इसके लिखित अभियोग आप थाने में किया था उसका तो कार्रवाई कुछ हुआ? मैं 16 तारीख को यहाँ पर आई थी उड़ीसा, 17 तारीख को मेरी केस FIR दर्ज हो चुकी थी। FIR दर्ज होने के रात को उसी दिन 17 तारीख को उसकी फैमिली वाले पुलिस स्टेशन आई थी, उसकी मम्मी और पापा, उसके पापा ब्रिटिश करण, उसकी मम्मी बंगाली बहन, वो दोनों मुझसे मिलने के लिए आए थे। मुझे बोल रहे थे कि ठीक है, हम कोर्ट मैरिज के लिए तैयार है और तुम गुजरात चलो मेरे साथ और हम तुम्हारा कोर्ट मैरिज वहीं पे करवाएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे यहीं पे कोर्ट मैरिज करके आपके घर के अंदर ही रहना है। आप अभी अब उसके बारे में अभी वो कारण है कि उसका और लड़के साथ शादी हो रहा है, आप क्या बोलेंगे? हाँ, लड़के ने मुझसे झूठ बोला। उसकी फैमिली में सबको पता था कि वो मेरे साथ संपर्क में, रिश्ते में है, मुझसे बातचीत करता है, सब कुछ पता था कि उसने मुझे अपनी बीवी बना के रखा गया है। मुझसे झूठ बोल के उसने मुझे बोला कि कोर्ट मैरिज करना है, मेरे सारे सर्टिफिकेट ले लिए, फिर मुझे बुला लिया। बुलाने के बाद उसने मेरे साथ कोई कोर्ट मैरिज नहीं किया, मुझे मार पीट के अपने साथ ज़बरदस्ती सेक्स किया, मेरे साथ बलात्कार सब कुछ उसने ज़बरदस्ती किया और दो दो बच्चे मेरे गिरवा दिए। मैं बच्चा नहीं गिरवाना चाहती थी लेकिन फिर भी उसने मुझे मार मार के मेरे बच्चे गिरवा दिए। मुझे गांव में बोल के सूरत गुजरात में जब मेरे वो साथ रह रहा था, मुझे बोल के आया था कि मेरे गाँव में थोड़ा काम है मेरी बहन का। मुझे ये नहीं बताया था कि वो शादी कर रहा है यहाँ पे आके। मुझे उसके दोस्त के थ्रू से पता चला कि वो यहाँ पे शादी कर रहा है। जब वो आपको छोड़कर आया उधर से, उस उधर से आप गंजाम आया, उसके बाद आपने उसको कांटेक्ट नहीं किया, फोन नहीं किया? कांटेक्ट हो रहा था और मैंने उसको पूछा भी कि तुम्हारी शादी हो रही है क्या, तो वो मुझे गाली दे रहा है, मुझे बोल रहा है कि मेरी सगाई नहीं हो रही है, मेरी सगाई नहीं हो रही, जो तुमको बोल रहा है वो सब कुछ झूठ है, मेरी कोई सगाई नहीं हो रही है। उसने मुझे झूठ बोला। अगर उसकी सगाई नहीं हो रही है, अन्नपूर्णा कौन थी जिसके साथ वो रात को दो दो तीन तीन बजे तक रात को बात करता था? उसकी सगाई हो चुकी है उसके गांव में, उसके कमेंट मेंबर से उसके गांव में चल के मेरे साथ पूछ सकते हो, उसके गांव में सबको पता है कि उसकी सगाई हो चुकी थी लड़के का। आज आज आप एसपी के पास आए थे और अभिषेक लेके, और एसपी साहब ने क्या बोला आपको?
उन्होंने बोला है कि हमको इस बारे में कुछ पता नहीं था, अभी हमको पता चला है, हम इंक्वायरी करेंगे, पता लगाएंगे और जल्द से जल्द लड़के को पकड़ के लेकर सारी पूछताछ करेंगे। प्रतिज्ञा सुनते जो युवती जन थे गुजरात युवक अभियोग रहा कि गोटे ओडिया पु कवि सूर्यनगर ओडिया झूव जड़े प्रथम प्रेम कले सहित शारीरिक संपर्क कले बह कले जो शारीरिक संपर्क आ दुई दुईट छुआ जो नष्ट कर अभियोग गुरुतर अभियोग आर्तमान समय बर्तमान समय कहते जो स्वामी अच्छी स्वामी अन्यत्र बाहर अच्छी से अभियोग कर तेणु से थाना अभियोग कले थाना जितने न सुनला आज बर्तमान से एसपी एसपी कार्यालय आई गंजाम एसपी कार्यालय आ एसपी प्रतिश्रुति बर्तमान आम अभियोग शुणिलु आपंकर यहाँ तदंत आरंभ हो छतरपुर कैमरा पर्सन शुभेन्दु सहित विष्णु प्रधान रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।